हेलो। देखिए, कल आपका शुरू किया गया था भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट में आपका पहला पढ़ा जा रहा था प्रपोजल के बारे में, यानी कि प्रस्थापना या प्रस्ताव के बारे में। कल जो बताया गया था आपका प्रपोजल की परिभाषा, यानी कि प्रस्थापना की परिभाषा बताई गई थी, फिर आपका प्रस्थापना के आवश्यक तत्व बताए गए थे। उसमें आपको ये बताया गया था कि प्रस्थापना या ऑफर या प्रपोजल के लिए व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि पशु पक्षी अब प्रस्थापना नहीं करेंगे, कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। और व्यक्ति में आपको तोड़ा गया था दो भागों में, एक या तो विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, निगम, समूह, और दूसरा नेचुरल जस्टिस यानी कि हम लोगों जैसे प्राकृतिक व्यक्ति। याद रखिए, बैठिए हो, इधर आ जाइए, आगे इधर आ जाइए, अंदर। ये आपको बताया गया था कि व्यक्ति में कौन कौन व्यक्ति शामिल है। इसके बाद आपका बताया गया कि प्रस्थापना को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यानी कि संसूचित करना पड़ेगा। संसूचित का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति प्रपोजल कर रहा है, वह जिससे प्रपोजल कर रहा है उस व्यक्ति को उस प्रपोजल को बताए। और फिर आपका केस बताया गया, लाल मन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, और महत्वपूर्ण केस है कि बिना प्रपोजल के नॉलेज के प्रपोजल को एक्सेप्ट अगर किया जाता है तो वह वैध नहीं माना जाएगा। फिर आपका बताया गया था तीसरा तत्व, प्रपोजल का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि प्रस्थापना का उद्देश्य या प्रपोजल का एम। तो इसमें आपका कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने के लिए आपका रजामंदी का उद्देश्य होता है कि दूसरे पक्षकार से कोई एक्ट करने या न करने के लिए हम क्या प्राप्त कर लें, रजामंदी। इसमें आपका बताया गया था कि सतर्क रखना है विक्स बनाम टाइवाल्ड का, विक्स बनाम टाइवाल्ड का भी केस अच्छे से जानना है कि मात्र इच्छा का इजहार करना प्रपोजल नहीं माना जाएगा, ये बताया गया। फिर आपका अगला नियम आइए, जो प्रपोजल होना चाहिए वह सर्टेन या निश्चित होना चाहिए, इस बिंदु पर भी सतर्क रहना है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन लगातार इस समय बन रहा है, और अभी हमने बताया कल भी कि ये क्वेश्चन आपका झारखंड में भी आया और बिहार में भी आया था आपका एविडेंस में जाकर, कि अगर ए कहता है बी से कि हे बी, मैं तुम्हें अपना घोड़ा या तो 1,000 या 1,500 में बेचूंगा, तो ये प्रपोजल ही अनिश्चित है, अनसर्टेन है। और अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है तो करार तो हो गया, लेकिन सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये करार क्या होगा, वॉइड या शून्य। आपका अनिश्चितता पर तीन केस याद रखना है, मैं बता दूं। पहला आपका कह सकते हैं कि आपका जो पहला गुथिंग बनाम लिन का केस, फिर आपका कह सकते हैं दूसरा जो इस समय आपका पूछा जा रहा है डार्लिंपन बनाम डार्लिंपन का केस, और जस्टिस कौन सा कल बताए गए थे, स्टोवेल, और इन्होंने क्या कहा था कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है, यानी कि सीरियसली ये इरादा होना चाहिए, नहीं कि हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। तो आप लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, पढ़ाई हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, थोड़ा सीरियस लीजिए। लेकिन आपका फिर बताया जाए कि पढ़िए तो टेंशन फ्री पढ़िए। टेंशन फ्री का मतलब ये हुआ कि दबाव में न पढ़िए कि ये धारा अपना चलते फिरते खाते पीते, यानी कि जो मैं आचरण बताऊंगा चलते फिरते खाते, हाँ ये है। तो सर ने ये केस बताया था, और दबाव देकर 10 घंटा 20 घंटा केवल पढ़ने से नहीं होगा, दिमाग में अपना बैठाए रहिए कि हाँ आपका ये है तो ये है। तो
इसके बाद आपका प्रपोजल के परिभाषा और तत्व बता दिए गए थे। इसके बाद आपका पूछा जाता है काइंड्स ऑफ प्रपोजल या प्रस्थापना के प्रकार, इसी को मैं शुरू किया था और इसी में आपका अच्छे से जानना है। देखिए यहाँ से आपका बता दिया जाए, हर एक आयोग कम से कम एक क्वेश्चन बनाता है, चाहे एलएलएम में क्वेश्चन आए चाहे कहीं भी आए एक क्वेश्चन आपका बनता है। बीएचयू एलएलएम में भी एक क्वेश्चन बना था, फिर आपका बिहार जे में भी प्रकाश से एक क्वेश्चन बना था। तो फिर एक बार भाई बता दिया जाए, प्रकारों को दिमाग में बैठाइए कि प्रपोजल के प्रकार कौन कौन है, ये बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा बल्कि ये जो प्रस्थापना है उसके करने के ढंग के आधार पर अलग अलग बंटवारा किया गया है। पहला हम बता रहे हैं प्रकार आपका स्पेसिफिक, नहीं पहला हम बता रहे हैं एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त कहा जाता है भाई, तो जो प्रपोजल यानी कि जो प्रस्थापना या जो ऑफर या तो मुख से बोले गए शब्दों द्वारा की गई हो या लिखित में की गई हो, रटे रहिए, अगर मुख से बोले गए शब्दों द्वारा प्रपोजल किया जाए या रिटेन यानी कि लिखित में किया जाए तो उस प्रपोजल को हम एक नाम स्पेशल देंगे और वह कौन सा प्रपोजल कहलाएगा, एक्सप्रेस या अभिव्यक्त। बस दूसरा आपका बताया गया विवक्षित। विवक्षित का मतलब आपका होता है आपका इम्प्लाइड, बात ना करिए भाई कहाँ से आवाज आ रही है, विवक्षित का मतलब होता है इम्प्लाइड प्रपोजल। इम्प्लाइड प्रपोजल काफी महत्वपूर्ण है और आपका इसको भी देखना है। जो विवक्षित या इम्प्लाइड प्रपोजल होता है वह बाई कंडक्ट होता है। बाई कंडक्ट का मतलब कि व्यक्ति न तो मुख से बोलता है न लिख कर देता है, लेकिन व्यक्ति का आचरण अर्थात आचरण का मतलब कंडक्ट अर्थात उसका हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, खान पान इत्यादि से ये निष्कर्ष निकाला जाता है, एक अनुमान निकाला जाता है कि इस व्यक्ति का इरादा प्रपोजल करने का होगा। जैसे कि आपका एक उदाहरण, आप अगर बस में कहीं चढ़ते हैं तो ऐसी दशा में आप न तो मुख से बोलते हैं और न ही लिख कर देते हैं कि जब मैं बस में चढ़ा हूँ तो मैं किराया दूंगा, तो आपका आचरण ही बता रहा है कि आप जब बस में बैठे हैं तो किराया क्या करेंगे, देंगे। तो क्या सुने हैं कि व्यक्ति मुख से बोलता है कि मैं बस में बैठा हूँ तो मैं किराया भी दूंगा, बोलता नहीं, जाकर सीट पर क्या किया, बैठ गया। तो जो ये बैठने का कंडक्ट है ये आपका बता रहा है कि आप किराया देने का क्या किए हैं, प्रपोजल। याद रखिएगा ये प्रपोजल किए हैं कि हम किराया देंगे। इस प्रपोजल जो है इसको आपका कहा जाता है इम्प्लाइड माने बाय कंडक्ट, बस एक लाइन जानना है। आइए दूसरा प्रपोजल का प्रकार देखा जाए, स्पेसिफिक प्रपोजल, विशिष्ट प्रस्थापना या स्पेसिफिक प्रपोजल। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा है, जब कोई प्रस्ताव या जब कोई प्रपोजल किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को किया जाता है तो उस प्रपोजल को विशिष्ट प्रपोजल या विशिष्ट प्रस्थापना कहा जाता है। ऐसी दशा में ऐसे प्रपोजल को सभी लोग स्वीकार नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है या जिस वर्ग से प्रपोजल किया गया है। तो आइए एक दो उदाहरण, ए बी से प्रपोजल करता है कि हे बी मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचूंगा, तो क्या सी प्रपोजल को स्वीकार कर सकता है कि केवल बी,
तो ये कौन सा प्रपोजल हुआ स्पेसिफिक। अब आइए दूसरा, ये प्रपोजल करता है और ये कहता है कि इस प्रपोजल को केवल और केवल एडवोकेट वर्ग यानी कि अधिवक्ता वर्ग ही स्वीकार कर सकता है और कोई समुदाय का वर्ग या क्लास स्वीकार नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा प्रपोजल है जिसमें कि केवल और केवल अधिवक्ताओं के लिए किया गया है तो ये जनरल ऑफर नहीं होगा, तो कौन ऑफर कहलाएगा स्पेसिफिक। तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, ऐसा प्रस्ताव जो केवल भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए किया गया है या किसी वर्ग या समुदाय के लिए किया गया है उस प्रपोजल को स्पेसिफिक प्रपोजल या विशिष्ट प्रस्थापना कहा जाता है। ऐसी प्रस्थापना को केवल और केवल वह व्यक्ति स्वीकार कर सकता है या वर्ग को की गई है तो उस वर्ग का कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है लेकिन अन्य व्यक्ति इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है जो पूछी जाती है, जनरल ऑफर। यही आपका क्वेश्चन भाई, देखिए जनरल ऑफर ही पूछा जाता है और इसी में दो तीन टेक्निकल बातें आपको मिलेंगी, इसको और अच्छे से तैयार रखना है। लोक प्रस्थापना, साधारण प्रस्थापना, सामान्य प्रस्थापना या जनसाधारण को प्रस्थापना या पब्लिक ऑफर या जनरल ऑफर, घबराना नहीं, ये सब एक ही हैं। कभी लोक प्रस्थापना दे देगा तो कभी आपका दे देगा सामान्य प्रस्थापना, तो कभी जन सामान्य को प्रस्थापना, लेकिन इंग्लिश वर्जन में या तो पब्लिक ऑफर देगा या जनरल ऑफर देगा। याद रखिए जनरल ऑफर क्या होता है इसको समझिए, फिर दो तीन उदाहरण और फिर इस पर एक केस अटैक किया जाएगा आपका कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। याद रखिएगा ये किससे संबंधित है पूछा गया यूपीजे में, पब्लिक ऑफर। और बिहार का क्वेश्चन भी इस पर अटैक किया जाएगा कि एक का कुत्ता भूल गया है तो कुत्ता जो भी भूल गया आपका उस पर भी अटैक किया जाएगा। देखिए भाई शुरुआती दौर से ये मेंस में भी पूछा जाता है, थोड़ा सतर्क रहना है आपका टिप्पणी में। देखिए जब कोई प्रस्थापना जनसामान्य को या लोक को या जनता को या पब्लिक को की जाती है, यानी कि जब कोई प्रपोजल पूरे समाज के लिए किया जाता है इस प्रपोजल को आपका जनरल ऑफर कहा जाता है। यानी कि फिर याद रखिए एक बार, जब कोई प्रस्थापना किसको की जाए पूरे समाज को, तो उस ऑफर को आगे आकर बैठिए भाई, अच्छे आगे बैठिए, इधर है तो जगह दो लोग भाई, हाँ बैठिए, थोड़ा पीछे कर लीजिए बेंच थोड़ा। देखिए जब कोई प्रपोजल जनसामान्य को किया जाता है, आम जनता को किया जाता है, तो उस प्रपोजल को ही जनरल प्रपोजल कहा जाता है। यदि प्रस्ताव ऐसी दशा में आम जनता या समाज का कोई भी व्यक्ति या पब्लिक का कोई भी, पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति उस प्रपोजल को स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब जनरल प्रपोजल कई प्रकार का होता है। एक ये हो सकता है कि ऐसा प्रपोजल हो जो पूरे लोक को या पब्लिक को किया गया हो लेकिन उसका एक्सेप्टेंस केवल और केवल एक व्यक्ति ही कर सकता हो। तो जैसे ही जनता में से पहला व्यक्ति उस प्रपोजल को स्वीकार करता है वैसे ही प्रपोजल अब समाप्त हो जाता है। जैसे कि सामान ढूंढने, कुत्ता ढूंढने, व्यक्ति ढूंढ के ढूंढने में होता है, तो तीन उदाहरण अटैक करना है
कि आम जनता को प्रपोजल किया गया है लेकिन एक्सेप्ट जो किया जा सकता है सबके द्वारा नहीं, केवल कितने आदमी द्वारा, एक। तो तीन उदाहरण इस पर देखिए भाई। पहले बिहार में जो पूछा गया था, ए का कुत्ता भूल जाता है और ए एक प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे कुत्ते को खोज कर लाएगा मैं उसे 500 रुपया इनाम दूंगा। तो ये प्रपोजल कैसा प्रपोजल है, किससे किया गया है, एक आदमी के पूरे समाज से, तो कौन सा प्रपोजल हुआ, जनरल। लेकिन संविदा क्या पूरे समाज से होगी, नहीं। जो व्यक्ति पहली बार ए का कुत्ता ढूंढ लेगा उसी से संविदा होगी। और जैसे ही किसी व्यक्ति ने कुत्ते को ढूंढ लिया वैसे ही वह प्रपोजल अब क्या हो जाएगा, समाप्त। क्योंकि प्रपोजल का नेचर ऐसा था जिसमें कि एक व्यक्ति ही उसे एक्सेप्ट कर सकता था। दूसरा आइए आपका, ये तो बिहार में आया, बस प्रकार पूछा था भाई कि ये प्रपोजल कैसा है, विशिष्ट है, क्रास है, चलत है, आपका जनरल है, तो कैसा प्रपोजल निकला, जनरल। जनरल मतलब साधारण या सामान्य। दूसरा उदाहरण देखिए, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के केस पर देखिए दूसरा उदाहरण। एक व्यक्ति का भतीजा भूलता है और वह पूरे समाज से कहता है, जनरल आप पर, कि समाज का कोई भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा मैं उसे 501 रुपया इनाम दूंगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति, उसके ज्ञान था इनाम का और उसके भतीजे को खोज लिया वैसे ही वह प्रपोजल क्या हुआ, समाप्त। क्योंकि एक ही आदमी एक्सेप्ट कर सकता था, एक से अधिक नहीं। तीसरा उदाहरण आपका, सामान में भी यही नियम चलेगा भाई। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, उसका पर्स खो गया है और वह आपका कहता है कि मेरा पर्स खो गया है, जो भी व्यक्ति मेरा पर्स खोज कर लाएगा मैं उसे 1000 रुपया इनाम दूंगा। तो ये भी कौन सा ऑफर हुआ, जनरल। और जो व्यक्ति खोज लेगा पर्स वह 1000 रुपये इनाम का क्या होगा, हकदार। ये तीन उदाहरण बताए गए। फिर आगे बढ़िए आपका, जनरल प्रपोजल में ऐसा भी प्रपोजल हो सकता है जिसमें कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। और इसका उत्तम उदाहरण कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का है। और अच्छे से इसको केस को देखिएगा, ये केस कई बार भाई पूछा गया है, रटे रहिए। कौन सा केस, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, और जस्टिस हॉकिंस थे। देखिए इसमें क्या हुआ, जो आपका कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, उसने एक दवा निकाली, जैसे कि तमाम लोग कोरोना में भी दवा निकाले थे, और ये कही कि अगर मेरी दवा जो भी व्यक्ति खाएगा और खाने के बाद उसे एनफ्लुएंजा यानी कि उसे बुखार होगा, बुखार का नाम है, बुखार हो जाएगा, तो कंपनी ऐसे व्यक्ति को 100 पाउंड देगी। क्या देगी, और इसके लिए कंपनी ने 1000 पाउंड सिक्योरिटी के रूप में, गारंटी के रूप में बैंक में क्या कर रखा है, जमा। तो जो कार्लिल थी वह दवा खाई, जैसे कि कोरोना में भी लोग दवा किए थे कि हमारी दवा खा लेंगे तो कोरोना क्या होगा, नहीं होगा, हो जाता तो सेम यही नियम अप्लाई होता। तो आपका जो कार्लिल थी वह दवा खाई शर्तों के अनुसार, और शर्तों के अनुसार दवा खाने के बावजूद भी उसे बुखार हो गया। तो ऐसी दशा में वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई और कंपनी से आपका 100 पॉइंट की मांग की कि कंपनी ने वादा किया था कितना देने का, 100 पॉइंट।
देखिए कंपनी का क्या तर्क था और आपका कार्लिल का क्या तर्क था, तर्कों के तीर चलाने हैं। कंपनी का तर्क देखिए क्या क्या तर्क उठाई। कंपनी पहला ये तर्क उठाई कि हजूर इन्होंने जब दवा खाई तो दवा खाने की सूचना यानी कि हमारे प्रस्ताव के प्रतिग्रहण की सूचना हमें क्या की नहीं दी, यानी कि इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं कि मैं आपकी कंपनी की क्या खा रही हूँ दवा। और जब इन्होंने बताया ही नहीं कि हम कंपनी की दवा खा रहे हैं, यानी कि इन्होंने प्रपोजल के प्रतिग्रहण की संसूचना नहीं दी, पहला तर्क उठाया कंपनी ने। जो कंपनी ने दूसरा तर्क उठाया वह ये उठाया कि हजूर ये संविदा नहीं हुई क्योंकि हमने जो ये वादा किया था ये इसलिए किया था कि हमारी दवा का विक्रय ज़्यादा हो। क्या हो? विक्रय। तीसरा आपका कंपनी ने कहा कि हजूर ये बाजी करार है क्योंकि आपका कह सकते हैं कि अनिश्चितता पर आधारित है, इसे बाजी करार मानकर और इस करार को क्या किया जाए, शून्य घोषित किया जाए। और चौथा तर्क उठाई, मैंने तीन तर्क उठाई कंपनी। इसके बाद आपका जो कार्लिल थी वो कह रही थी कि हजूर क्या अगर लाखों लोग इनकी दवा खाएं तो क्या ये संभव है कि लाखों लोग इनको लेटर भेजें या फोन करें कि हमने आपकी दवा खाई है। और दूसरा ये विक्रय को बढ़ाने के लिए अगर करते यानी कि ये सीरियस नहीं लिए हैं तो सीरियस इसलिए लिए हैं कि इन्होंने अपनी शर्त में लिखी है कि जो इसके लिए यानी कि हमने 1,000 रुपया क्या किया है बैंक में, 1,000 पाउंड जमा किया है सिक्योरिटी के तौर पर, तो ये सीरियस ले रहे हैं तभी तो गारंटी के तौर पर कितना जमा किए हैं 1,000। और बाजी करार कोई अनिश्चितता नहीं थी, बाजी करार नहीं है, अतः हमें 100 पाउंड कंपनी से क्या किया जाए दिलवाई। अंत में फैसला आया और फैसला कार्लिल के पक्ष में आया, कार्लिल को 100 पॉइंट दिलवाया गया और न्यायालय ने 1-2 सिद्धांत बताया। वहीं याद करना है कि जनरल प्रस्थापना या सामान्य प्रस्थापना की स्वीकृति या एक्सेप्टेंस की संसूचना देनी आवश्यक नहीं होती। और ऐसी दशा में अगर कार्लिल ने दवा खाई और इस बात की जानकारी नहीं दी कि हम दवा खाए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है और ये प्रपोजल का एक्सेप्टेंस वैध माना जाएगा। दूसरा तर्क कि हम सीरियस नहीं लिए थे तो न्यायालय ने कहा कि 1,000 क्यों जमा किए थे, जब सीरियस नहीं लिए तो क्यों कह रहे हैं कि 1,000 पाउंड में गारंटी के तौर पे जमा किया हूँ। फिर आया बाजी करार, तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में ही आपका बाजी करार को परिभाषित भी किया गया और कहा गया कि जो ये जनरल प्रपोजल है स्वीकार किया गया है, वाइजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आगे बताया जाएगा धारा 30 में। देखिए अगला भाई आपका जनरल प्रपोजल का केस याद रखिएगा, कौन सा? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये होता है आपका जनरल प्रपोजल, यानी कि अगर एक से अधिक व्यक्ति उस प्रपोजल को स्वीकार कर सकते हैं तो एक से अधिक के साथ संविदा हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं। कभी काल ये होता है कभी का लास्ट लाइन देखिए कि आपका ये होता है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि 10 व्यक्ति स्वीकार करेंगे 20 व्यक्ति, प्रपोजल सबसे किया गया लेकिन ये कहा गया कि जो पहले 100 क्या होगा 100 व्यक्ति स्वीकार कर लेंगे केवल उन्हीं से संविदा होगी अन्यों से नहीं। तो जैसे ही 100वां का कोटा क्या हुआ पूरा,
वह प्रपोजल अब क्या हो जाएगा, समाप्त, क्योंकि केवल कितने स्वीकार कर सकते थे, 100। तो इस प्रकार आपका जनरल ऑफर बताया गया भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन बनते हैं। अगला आइए आपका देखा जाए क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल, जो क्रॉस प्रपोजल होता है ये भी आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया, सतर्क रहना। तो जहाँ जहाँ क्रॉस हो वहाँ वहाँ से एक बार आपका निश्चित तौर पे भाई स्वीकार करना है, माने आपका एक बार निश्चित तौर पर लिखना है। अलग से थोड़ा लिख लीजिए भाई, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, वो चार पांच क्वेश्चन अलग से बनाए जाएंगे, फिर क्रॉस प्रपोजल आएगा। क्योंकि अब देखिए उपाय ये है कि कहीं से भी क्रॉस आ जाए तो इसका मतलब कि किसी भी हाल में गलत ना हो। देखिए हम बता रहे हैं, पहले तो चिन्ह पर आपको लिखना नहीं, हम चिन्ह बता दे रहे हैं। अगर कहीं क्रॉस का चिन्ह लगा हो इसका मतलब आप लोग भी जानते हैं कि इसका मतलब कि डेंजर, और डेंजर मतलब वहाँ क्या है, खतरा। तो पहला तो आपका संकेत चिन्ह ले लीजिए कि क्रॉस का मतलब लगा है तो क्या हुआ, खतरा हुआ, ये पहला। इसके बाद आपका हम देखें क्रॉस एफ आई आर, क्रॉस एफ आई आर ये क्या होती है और किस धारा में सीआरपीसी के दर्ज की जाती है। तो एफ आई आर तो एक ही धारा में दर्ज होती है, किसमें, 154 सीआरपीसी में। तो चाहे क्रॉस एफ आई आर देखिए होती क्या भाई, जब दोनों पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराते हैं उसी को क्रॉस एफ आई आर कहा जाता है। और ये एफ आई आर दोनों पक्षकारों का एफ आई आर केवल और केवल एक सीआरपीसी के एक ही सेक्शन 154 के तहत दर्ज किया जाता है। एक लाइन लिखिए, तो जब दोनों क्रॉस एफ आई आर लिख लीजिएगा, क्रॉस एफ आई आर लिखिए, वो अभी क्रॉस प्रपोजल नहीं, वो लास्ट में बताया जाएगा। क्रॉस एफ आई आर अलग से लिखिएगा, लिखिए जब दोनों पक्षकार एक दूसरे के खिलाफ, जब दोनों पक्षकार एक दूसरे के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराते हैं तब उस एफ आई आर को क्रॉस एफ आई आर कहा जाता है, यह एफ आई आर सीआरपीसी की धारा, एक सौ चौवन के तहत दर्ज की जाती हैं। आइए फिर बिहार का क्वेश्चन अटैक कर दिया जाए। बिहार का क्वेश्चन मॉडल ये बना था कि अगर कोई अपराध है जिसमें कि आपका मने क्रॉस एफ आई आर ही है या कोई भी अपराध हो, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनका विचारण कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा हो सक किया जाना है और कुछ ऐसे अपराध उसमें हैं माने मामले में जिसका ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा, तो ऐसी दशा में ट्रायल कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा कि सत्र न्यायालय करेगा कि आधा आधा करके दोनों करेंगे कि सर मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय को भेज देगा पूरा मामला, तो बताइए क्या होगा, मजिस्ट्रेट करेंगे कि भेज देंगे।
तो भेज देंगे। तो सीआरपीसी का सेक्शन याद रखना है आपका 323, कौन सा सेक्शन? 323। एक सेक्शन लिख लीजिए केवल, तो घर पर पढ़िएगा, उतना लिखवाना संभव नहीं है। सीआरपीसी की धारा 323 आपका क्रॉस एफआईआर में लागू होगी, याद रखिए, या बिना क्रॉस वाले में भी। 323 एक बार देख सकते हैं, समस्यात्मक क्वेश्चन बिहार एपीओ में बना था और इस समस्या का समाधान अंदर से जाकर सीआरपीसी में कुछ बना था। इस समस्या का समाधान कहाँ से? सीआरपीसी की धारा 323 लिखा नहीं गया है, उचित हो तो भेज सकता है तो भेज देगा, ये ना कहेगा कि ये कहाँ लिखा गया है। अगला लिखिए भाई आपका क्रॉस, आपका ये हो गया। अब सीपीसी में आ जाइए, ये तो आपका सीआरपीसी बताया गया, क्रॉस एफआईआर है क्या? एनसीआर 155 में क्रॉस हो या कुछ हो, क्या मतलब? एक हाँ वो भी होता है, 155 में धारा 155 में क्रॉस एनसीआर दर्ज करा सकते हैं। तो उतना अब लंबा नहीं जाना है भाई, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आपका 2 मिनट बता के निकला जाए मुख्य रूप से आपका कांटेक्ट पर। अब आइए सीपीसी में पूछा जाता है क्रॉस सूट या क्रॉस सूट, सीपीसी में अलग से लिखिए। सिविल मामलों में क्रॉस सूट शुद्ध रूप से किसे कहा जाता है? तो बस एक लाइन याद रखना है, जो काउंटर क्लेम होता है यानी कि जो प्रतिदावा होता है उसी को आपका शुद्ध रूप से क्रॉस सूट कहा जाता है। लिखिए, सिविल मामलों में क्रॉस सूट प्रतिदावे को कहा जाता है, काउंटर क्लेम इंग्लिश में प्रतिदावा, काउंटर क्लेम। आर्डर 8 रूल 6A, आर्डर आदेश 8 का नियम 6A, कैपिटल ए लिखिएगा, और भी हैं, पूरा नहीं लिखवाया जा रहा है। आदेश 8 का नियम 6, आदेश 8 नियम 6A लिखिएगा, कैपिटल ए, और भी हैं भाई, इसके वाले में नहीं है लेकिन एक बता। इसके बाद आ जाइए क्रॉस प्रपोजल, डायरेक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट पर आइए। देखिए भाई आपका पूछा जाता है, सतर्क रहना है, पहले समझ लीजिए तब आपका नोट्स में है। जब दो व्यक्ति, ध्यान समझिए, जब दो व्यक्ति समान शर्तों वाली प्रस्थापना करते हैं और वे प्रस्थापना जब डाक में एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उसी प्रपोजल को क्रॉस प्रपोजल कहा जाता है। अभी हम उदाहरण बताएंगे। ऐसी दशा में ये माना जाता है कि दोनों तरफ से केवल और केवल प्रपोजल हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। क्या माना जाएगा? केवल प्रपोजल, स्वीकृति नहीं। तो क्रॉस प्रपोजल से किसी करार का निर्माण नहीं होता क्योंकि दोनों पक्षकार केवल क्या किए रहते हैं? प्रपोजल। अब विधिक स्वीकृति का क्या होता है? अभाव। तो एक सटीक उदाहरण घोड़ा पर देखिए। ए एक लेटर लिखता है बी को, देखिए ध्यान से, कि हे बी, मैं तुम्हें अपना घोड़ा 1500 में बेचना चाहता हूँ, यदि तुम खरीदने के लिए रजामंद हो तो अपनी अनुमति संज्ञापित करो। उसी तरह से लेटर बी भी लिखता है कि हे बी, मैं तुम्हारा घोड़ा 1500 में खरीदना, ये तो बेचना चाहता था। बी अब प्रस्ताव करता है, प्रपोजल, कि हे ए, मैं तुम्हारा घोड़ा 1500 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, अगर तुम रजामंद हो तो हमारे प्रस्ताव को क्या कर लेना? स्वीकार। और ए भी डाक में ये लेटर डाल दिया, और कौन डाल दिया? बी। और दोनों लेटर एक दूसरे को डाक में क्या किए? पार। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉस
प्रस्ताव। और चूंकि दोनों तरफ से केवल क्या हो रहे हैं, प्रस्ताव प्रस्ताव हो रहा है, विधिक एक्सेप्टेंस या स्वीकृति का अभाव है, तो दो, लेकिन शर्तें क्या हो, सेम हो, समान हो कि असमान? हाँ, असमान में नहीं, सतर्क रहिए, शर्त बताइए तो समान है कि असमान? 1500 रुपया ये भी और ये कितना, 1500, घोड़ा घोड़ा, तो दोनों बगल से शर्तें क्या हैं, असमान में नहीं लागू होगा। अगला देखिए भाई आपका, चलत प्रस्थापना, सुने कि नहीं भाई, कंटिन्यू प्रपोजल, एक सेकंड भाई, बैटरी चेंज कर दिया जाए। देखिए आपका चलत प्रस्थापना, यहां से भी एक क्वेश्चन भाई निश्चित बन, और आपका बिहार जे में बना भी था। देखिए बिहार जे का भी 3-4 क्वेश्चन निकल गया फिर, और सतर्क होकर याद रखिए, आपका भी बना था बिहार जे में, ये नहीं कि नहीं बना था आपका। कंटिन्यू आपका ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, तो जब कोई प्रस्थापना आपका एक निश्चित समय तक खुली रहती है उसी को हम कंटिन्यू ऑफर कहते हैं। देखिए एक निश्चित समय लगा दिया जाए, ए बी से प्रपोजल करता है, प्रस्ताव करता है और कहता है कि हे बी, ये जो मेरा प्रस्ताव है केवल 10 फरवरी तक है, अगर तुम इसको स्वीकार करना चाहते हो तो कब तक स्वीकार कर लो, 10 फरवरी, तो बताइए क्या इस प्रपोजल में समय लगा दिया गया है कि नहीं, लगा दिया गया, कितना फरवरी, 10 फरवरी, तो इस प्रपोजल को हम क्या कहेंगे, चलत प्रस्थापना अर्थात आपका कंटिन्यूइंग प्रपोजल, माने समय निश्चित रहता है और कुछ इसमें नहीं है। चूंकि ये क्वेश्चन आपका लगातार यूपी जे में भी आया, बिहार जे में भी आया, तो इसको कोरिलेट करके पढ़िएगा सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का 129, कहीं कोरिलेट कर लीजिए भाई उसमें नोट्स पे, जो नोट दिया गया उसी पर लिखिए, इसको जब भी पढ़िए चलत प्रस्थापना को, तो आपका कौन सा सेक्शन जोड़कर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का 129, चलत प्रत्याभूति कंटिन्यूइंग सियोरिटी, हाँ गारंटी भाई, कंटिन्यूइंग गारंटी यानी कि चलत प्रत्याभूति, गारंटी भाई सियोरिटी नहीं, गारंटी, तो बस एक लाइन पूछा था बिहार में, चलत प्रत्याभूति का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, तो आपका क्या जवाब रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 129। अब आगे बताया जाएगा, यूपी जे में भी आए भाई ये क्वेश्चन, जो भी कारण हो आपका जो सेक्शन 129 कॉन्ट्रैक्ट का है बहुत पूछा जा रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूपी जे में भी आया और बिहार में लगातार रिपीट करता है जो भी कारण हो, माने कि एक बार गैप करके ये धारा पूछी ही जाती है, तो रट कर जाना है। अब आइए परपिचुअल प्रपोजल देखा जाए, अगला प्रकार परपिचुअल प्रपोजल या अस्थाई प्रस्थापना, अस्थाई प्रस्थापना का मतलब जो हमेशा के लिए हो, कब के लिए हो, हमेशा के लिए हो, ए बी से ए आम जनता से प्रपोजल करता है कि आप हमेशा के लिए ये प्रपोजल हैं, आप दवा खाइए और किसी भी व्यक्ति का क्या हो, अगर बुखार हो जाए तो कंपनी ये पैसा देगी, तो बताइए केवल 10 दिन के लिए प्रपोजल किया गया कि हमेशा के लिए,
चाहे 2 साल बाद दवा खाइए, 4 साल बाद खाइए, 5 साल बाद खाइए, तो ऐसे प्रपोजल को एक नाम देंगे क्या, अस्थाई। अस्थाई माने हमेशा के लिए। अगला आइए आपका 2, जो अब बताया जाएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जनरल ऑफर महत्वपूर्ण था, 2 प्रकार से खूब क्वेश्चन बनता है। अभी BHU LLM में भी बना था, निश्चित तौर पे इन प्रकारों से क्वेश्चन बनता है। आइए देखा जाए। काउंटर ऑफर यानी कि प्रति प्रस्थापना या प्रति प्रस्ताव या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव केस आपका पूछा गया था, हाइड बनाम रेंच का केस, और आपका पूछा गया था BHU में कि बम्पर हाल वाला पेन कौन है, मैंने बम्पर हाल पेन वाला केस कौन है, बम्पर हाल पेन। और एक बार पूछ लिया कि बम्पर हाल किस चिड़िया का नाम है, तो ये पूछा गया था BHU LLM में, लेकिन आपका जमीन का टुकड़ा था। लेकिन फिर भी एकदम शुरुआती दौर से देखिए, यहाँ से गलती हो सकती है। आइए पहले आपका प्रति प्रस्ताव या काउंटर प्रपोजल या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव, या इसको प्रति प्रस्थापना कहा जाता है। अच्छे से समझिए भाई इसको, थोड़ा अच्छे से और दिमाग लगा के। जब देखिए आपका नियम क्या है, जैसे कि आपका बता दिया जाए पहले उदाहरण, तब अपने आप समझ लेंगे। ए ने बी से प्रपोजल किया, एक ए ने बी से प्रपोजल किया कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें 1500 रुपये में बेचना चाहता हूँ। अगर तुम्हें तुम रजामंद हो तो अपनी एक्सेप्टेंस, इसके बाद एक्सेप्टेंस ही कल से चलेगा, आपका प्रपोजल समाप्त हो तो प्रपोजल को क्या करवाया जाएगा, स्वीकार, तब न करार बनेगा, तो इसके बाद एक्सेप्टेंस चलेगा भाई, पहले प्रपोजल पूरा हो जाए। ए बी से प्रपोजल करता है, ऑफर करता है, प्रस्ताव करता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना घोड़ा कितने में बेचना चाहता हूँ, 1500 में, यदि तुम रजामंद हो तो अपनी अनुमति या सहमति बता दो, यानी कि हमारे प्रपोजल को क्या कर लो, एक्सेप्ट। अब धारा 7 पहले देखनी है। संविदा अधिनियम की धारा 7 ये बताती है कि जब भी किसी प्रस्ताव को या प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा तो एब्सोल्यूट रूप से किया जाएगा, आत्यंतिक रूप से या पूर्ण रूप से, आधा अधूरा नहीं। और स्वीकृतकर्ता यानी कि प्रतिगृहिता या एक्सेप्ट करने वाला शर्त रहित एक्सेप्ट करेगा, अर्थात अपनी ओर से कोई कंडीशन या कोई शर्त नहीं लगाएगा। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, 7। फिर एक बार देखिए, प्रपोजल पूर्ण रूप से स्वीकार करिए और शर्त रहित करिए, यानी कि अपनी ओर से कोई कंडीशन लगाइए कि न लगाइए, तब तो भाई स्वीकृति एक्सेप्टेंस वैध माना जाएगा। लेकिन यही उल्टा नियम चलना है कि बी ने प्रपोजल को स्वीकार तो किया कि हम घोड़ा खरीदेंगे, लेकिन बी ने कहा कि हम घोड़ा 1500 रुपया में नहीं बल्कि कितने में खरीदेंगे, 1000। तो फिर आपका, अब आपका पहले उदाहरण पर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हम लेक्चर देंगे भाई। जैसे ही बी ने 1000 रुपया में घोड़ा खरीदने का, आपका खरीदने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, तो चूंकि बी प्रपोजल को शर्त लगाकर स्वीकार किया है, आपका क्या शर्त लगा दिया कि हम 1500 में नहीं बल्कि कितना में खरीदेंगे घोड़ा, 1000। जैसे ही बी ने शर्त लगाकर ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, उसी क्षण, मैं बता दूं, उसी क्षण जो ये ए का मूल प्रस्ताव था
यानी कि कितने में घोड़ा बेचने का प्रस्ताव, 1500 में, यह आपका द एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया उसी क्षण। और चूंकि बी ने शर्त लगाकर स्वीकार किया है प्रपोजल को, तो ये वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि बी ने अपनी ओर से एक नया प्रपोजल किया है और इसी प्रपोजल को काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव कहा जाएगा। फिर एक बार समझिए, जैसे ही बी ने शर्त लगाकर ए के प्रपोजल को स्वीकार किया, वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी और उसी क्षण ए का प्रपोजल क्या होगा, समाप्त। अब ये बी ने जो 1000 रुपया में प्रपोजल को स्वीकार किया है, ये एक्सेप्टेंस या स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये माना जाएगा कि बी ने अपनी ओर से एक नया प्रस्ताव किया है और इसी नए प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव कहा जाता है, यानी कि प्रस्ताव के बदले क्या कर दिया गया, प्रस्ताव। अब प्रस्ताव करने वाला कौन बन जाएगा, बी, और उसे स्वीकार करना या न करना किसकी इच्छा पर रहेगा, एक ए चाहे तो बी के इस ऑफर को जो 1000 रुपया में घोड़ा खरीदने का ऑफर है, ये चाहे तो स्वीकार करे या चाहे तो क्या करे, डिनाई। अब देखिए होता क्या है, बी ने कहा कि हम 1000 में खरीदेंगे, ए 1000 में बेचने से क्या कर दिया, इनकार। अब फिर बी ने क्या किया कि बी फिर 1500 में खरीदने के लिए क्या हो गया, रजाम। तो अभी हमने बताया कि जैसे ही बी ने काउंटर ऑफर किया था जो ए का प्रपोजल था, अब वो बना हुआ है कि समाप्त हो गया, तो क्या उस प्रपोजल को पुनः स्वीकार किया जा सकता है, नहीं, रटे रहिए, यानी कि पुनर्जीवित नहीं हो सकता वह प्रपोजल, क्योंकि आपने क्या किया था, काउंटर ऑफर। इसी को समझना भाई आपका, इस पर केस बता दिया तब लीगल भाषा में थोड़ा समझा जाए। हाइट बनाम रेंच का केस सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे कि आपका बम्पर हाल पेन के नाम से जाना जाता है और BHU में पूछा भी गया था LLM में। कौन सा केस, हाइट वर्सेज रेंच का उपनाम क्या है, बम्पर हाल पेन। अगर कोई पूछे कि बम्पर हाल पेन किसका नाम था, तो उसको लिख लीजिए ये जमीन का एक टुकड़ा था, लिख लीजिए भाई आपका। हाँ, क्रॉस प्रस्थापना में आपका एक समान शर्तों वाली प्रस्थापना एक दूसरे को डांक में समान समय में पार करती है। ए ने भी प्रपोजल किया, बी ने भी सेम प्रपोजल किया और दोनों प्रपोजल क्या किए, डांक में, अन्य माध्यम से नहीं, डांक में डाला गया, तो दोनों तरफ से केवल क्या हुए, प्रपोजल। और इसमें आपका दोनों तरफ से एक साथ प्रपोजल का भी अभाव है, समान शर्तें भी नहीं हैं और भी प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन अपनी ओर से क्या लगा दे रहा है, सर, तो वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये माना जाएगा कि बी ने काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव किया और प्रति प्रस्ताव एक नया प्रस्ताव माना जाता है। और जैसे ही प्रति प्रस्ताव बी ने किया, ए का जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसी क्षण वह क्या हो गया, समाप्त, पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो भाई कहिए तो फिर और बता जाए, लेकिन सब कुछ तो बता ही दिया गया, अब लेक्चर क्या देना है, समझा दिया गया, उसी को अपनी भाषा में कवर कर लीजिए। अगला चला जाए भाई, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण या आमंत्रण, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कराइए, हाँ, बम्पर हाल वाला पेन देखिए, बता दें भाई केस, तब आपका
बम्पर हाल का पेन का केस याद रखिएगा, ये बम्पर हाल पेन क्या था, जमीन का एक टुकड़ा था। देखिए हुआ क्या था, इंग्लैंड का केस है, सेम इसी उदाहरण पर हम चलेंगे। इसको ए ने आपका बी को प्रपोजल किया कि ये जो मेरा जमीन का टुकड़ा है जिसका नाम क्या है, बम्पर हाल पेन है, मैं 1000 रुपया में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, 1000 पाउंड में, अगर तुम रजामंद हो तो इस प्रपोजल को क्या करो, एक्सेप्ट। बी ने क्या किया कि ये कहा कि मैं 950 पाउंड में इसे क्या करूँगा, खरीदूँगा। फिर ए ने 950 पाउंड में बेचने से उस जमीन के टुकड़े को क्या कर दिया, इनकार। फिर भी सोचा कि जमीन का टुकड़ा तो अच्छा है, चलो क्यों न हम 1000 पाउंड में ही खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। और भी बाद में जब ए ने इनकार कर दिया 950 पाउंड बेचने में, तो भी बाद में उसी प्रपोजल को कितने में स्वीकार किया, 1000 पाउंड। ए बेचने से इनकार कर दिया, बी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जैसे ही बी ने प्रपोजल को शर्त लगाकर स्वीकार किया, यानी कि 1000 नहीं बल्कि कितने में स्वीकार किया, 950, वैसे ही ए द्वारा किया गया जो ये मूल प्रस्ताव था, उसी क्षण उसका क्या हो गया, समापन। पुनः इस प्रपोजल को आपका पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, भले ही बाद में भी 1000 रुपये में खरीदने के लिए क्या हो जाए, तैयार। ये किस केस में आया, तो हाइड वर्सेज रेंच के केस में। बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, आपका प्रतिप्रस्ताव या काउंटर ऑफर बताया गया। अब लास्ट प्रकार देखा जाए, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण या निमंत्रण, आपका इनवाइट किया जाए प्रपोजल के लिए, और खूब पूछा जाता है इसमें, आपका इसमें भी केस आता है। और केस इसमें 3-4 याद रखना है, आपका यूपी में भी कई राज्यों में पूछा है, 2 केस तो भाई रट कर जाना है। एक आपका हार्वे बनाम फैंसी का केस ज़्यादा पूछा जाता है, और मैकफर्सन बनाम अपन्ना का, 2 केस रट कर जाना है। प्रपोजल के लिए इनवाइट करिए, प्रपोजल के लिए निमंत्रण या प्रपोजल के लिए आमंत्रण। देखिए आपका भाई, देखिए प्रपोजल के लिए आमंत्रण आप हमेशा करते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं रहता। देखिए 2-3 उदाहरण पहले देखिए, तब आपका बताया जाएगा। उदाहरण 2-3 देखिए अपने आप, आपका प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, मान लीजिए आप एक आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए, तो रेस्टोरेंट वाला आपका प्रस्ताव नहीं किया है, वह प्रस्ताव के लिए आमंत्रित कर रहा है। अर्थात रेस्टोरेंट वाला ये चाहता है कि व्यक्ति हमारे रेस्टोरेंट में आए, हम लिस्ट देंगे भोजन की, और यह व्यक्ति हमसे क्या करे, प्रपोजल, और इस प्रपोजल को चाहे मैं स्वीकार करूं या इनकार। यानी कि अगर वह भोजन हमारे पास रहेगा तो मैं उसके प्रपोजल को, ग्राहक के प्रपोजल को क्या करूंगा, स्वीकार, और नहीं रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, इनकार। तो ये प्रस्ताव नहीं है, आप होटल में खोला है तो वह प्रस्ताव के लिए क्या कर रहा है, आमंत्रण। अब आपका देखिए, आपका दूसरा उदाहरण, किताब की दुकान पर जाते हैं, तो किताब की दुकान वाला किताब आपका लगाकर और प्रस्ताव नहीं किया है, बल्कि प्रस्ताव के लिए आपको क्या कर रहा है, निमंत्रण दिया है। इसका मतलब कि बच्चे आए, लड़के आए, किताब देखें, अगर उनको किताब पसंद हो तो वह किताब उठाकर और काउंटर पर बेचने वाले के सामने प्रपोजल करें कि हम ये किताब क्या करना चाहते हैं, खरीदने। अब इस किताब के प्रपोजल को स्वीकार करना किसकी इच्छा पर है, किताब वाला।
आपका बिग बाजार में जाते हैं, जहाँ भी जाइए सब जगह यही चलेगा। अब जो पूछा जाता है रेलवे का टिकट, फार्म निकलता है आयोगों का, आपका सार्वजनिक बस चलती है, आपका दवा की शीशी रखी गई है, तो वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है, तो बस तमाम उदाहरण पूछे जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि ये प्रपोजल है कि प्रपोजल के लिए आमंत्रण। तो ध्यान से अब समझिए, लीगल भाषा में प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में क्या होता है। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में या निमंत्रण में जो व्यक्ति निमंत्रण देता है उसका इरादा ये रहता है कि दूसरा व्यक्ति आकर उससे प्रपोजल करे, खुद ही प्रपोजल नहीं करता, उसका इरादा क्या है कि दूसरा व्यक्ति आकर क्या करे, प्रपोजल, और उसके प्रपोजल को या तो मैं स्वीकार करूंगा या क्या करूंगा, इनकार। अब सात आठ आप उदाहरण अच्छे अच्छे जानिए। पहला, आयोग का फार्म देख लिया जाए। मान लीजिए कि लोक सेवा आयोग ने फार्म निकाला, तो जब फार्म निकाला तो वह प्रपोजल रहा कि प्रपोजल के लिए निमंत्रण, प्रपोजल नहीं कर रहा कि आप स्वीकार कर लिए, वह ये चाह रहा है कि वह प्रपोजल के लिए आपको क्या दे रहा है, आमंत्रण, आमंत्रण कर रहा है कि आप आइए फार्म भरिए, अगर हमारी शर्तों को आप क्या करते हैं फार्म भरने में पूर्ण करते हैं, आप हमसे प्रपोजल करिए, अगर हम आपका प्रपोजल हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो फार्म क्या करेंगे, रिजेक्ट। तो फार्म निकलता है किसी भी आयोग का, वह प्रस्ताव न कह दीजिएगा, बल्कि आयोग प्रस्ताव के लिए क्या करता है, आमंत्रण। रेलवे टिकट आइए भाई, सबसे अच्छा उदाहरण ये भी है। रेलवे कंपनी में आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं, तो रेलवे कंपनी एक आपका कागज रखी है, आप कागज भरते हैं और जाकर काउंटर पर पेश करते हैं, तो जो रेलवे कंपनी का फार्म दिया गया है वह प्रस्ताव न होकर प्रस्ताव के लिए क्या है, आमंत्रण। अर्थात रेलवे कंपनी चाहती है कि आप फार्म भरिए और फार्म भर के आप रेलवे कंपनी से क्या करिए, प्रपोजल, अगर सीट रही तो रेलवे कंपनी आपका प्रपोजल क्या करेगी, स्वीकार, और नहीं रही तो क्या करेगी, इनकार। अब दवा की दुकान पर आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपका मैंने फार्म हो गया आयोगों का, रेलवे का फार्म हो गया, अब बस बताया जाए। अगर कोई बस सार्वजनिक तौर पर चलाई जा रही है यात्रियों के लिए तो वह प्रपोजल नहीं बल्कि प्रपोजल के लिए क्या है, आमंत्रण। अर्थात आपको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आइए बस में चढ़िए और अगर बस में सीट खाली रही तो आपके प्रपोजल को हम क्या करेंगे, बस वाला क्या करेगा, स्वीकार, नहीं तो धक्का मार कर कहाँ उतार देगा, नीचे। तो ये भी प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए क्या है, आमंत्रण। बस में वस्तुओं का प्रदर्शन देख लिया जाए, मेला वाला जाएंगे या किताब की दुकान पर तो वस्तुएं क्या हैं, प्रदर्शित की गई हैं, तो प्रस्ताव नहीं है बल्कि क्या है, यानी कि जो व्यक्ति वस्तुओं का प्रदर्शन किया है उसका इंटेंशन ये है कि आप आइए जो वस्तु पसंद हो उसको चुनिए और चुनकर उससे आप क्या करिए, प्रपोजल, चाहे वह आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे। किताब का दुकान बता दिया गया, दवा का दुकान बता दिया गया, जो किताबें रखी हैं, दवा रखी है अलमारी में, या आप आइए दवा खुद निकालिए, काउंटर पर प्रपोजल करिए, चाहे काउंटर वाला बेचे या न बेचे। जो इसमें पुस्तकों का आपका प्रदर्शन बता दिया गया, जाइए तो पुस्तक क्या लगा है, प्रदर्शनी लगी है, वो भी प्रस्ताव नहीं क्या है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। जो सबसे महत्वपूर्ण आपको इधर देखना है, नीलामी पूछी जाती है।
और नीलामी पूछी जाती है वहीं सतर्क रहना। इसमें जो नीलामी होती है वह आपका प्रपोजल न होकर प्रपोजल के लिए क्या होता है, आमंत्रण। एक नीलामी कोई करा दिया जाए भाई, देखिए मान लीजिए ये घड़ी है और इसकी नीलामी होनी है, तो देखिए कैसे होता है। ये एक व्यक्ति है जो घड़ी का मालिक है, तो ये करता क्या है, ये एक सार्वजनिक सूचना देता है कि जो भी व्यक्ति घड़ी को खरीदना चाहते हैं इस तारीख को और इस समय यहाँ आए और अपनी अपनी बोली क्या करें, लगाए। यानी कि घड़ी का नीलाम करता ये प्रस्ताव के लिए लोगों को आमंत्रित किया है कि आप आइए और अपनी ओर से क्या करिए, हमसे प्रस्ताव। और जिसकी बोली क्या रहेगी, अधिक रहेगी, तो उसको मैं बेचूंगा या बेचने से क्या कर दूंगा, इनकार। बाद नहीं है तो बेचने से इनकार कर देगा। लोग बोली लगाने लगे एक 1,000 रुपया, तो दूसरा बोला कि 1,500 रुपया, तीसरा आदमी बोला 2,000 रुपया, चौथा बोला 2,001 रुपया, मैंने 1 रुपया बढ़ा दिया। अब आपका जो प्रपोजल आप बोली लगाने वाले क्या कर रहे हैं, प्रपोजल। अब घड़ी का जो नीलामी कर रहा है उसका देखिए, अब आपका जो प्रतिग्रहण होता है प्रपोजल का, वह भी कार्य द्वारा या लोप द्वारा हो सकता है। तो नीलामी में आप हथौड़ा देखे होंगे, पहला हथौड़ा पीटा जाता है कि 1, यानी कि अभी भी समय है, कोई 2,001 रुपया से आगे बढ़ जाए। दूसरी बार हथौड़ा मेज पर बजाया गया और क्या बोला गया, 2, तब तक बीच में एक टपक पड़ा, कहा कि हम 2,500 रुपये में खरीदेंगे घड़ी। तो फिर 2,500 पर दाम खुल गया, 2,501, 2,502, और जैसे ही 2,503 बोलकर और हथौड़ा मेज पर क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। इसका मतलब कि उसके प्रस्ताव को जो 2,500 बोला था नीलामकर्ता ने क्या कर लिया, स्वीकार। तो रस्मी तरीके से भी प्रपोजल को क्या किया जा सकता है, स्वीकार, हथौड़ा बजाकर भाई नीलामी में। तो जो नीलामी होती है वह प्रपोजल नहीं है, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या है, आमंत्रण, कि आप आइए अब बोली लगाइए, हमारी इच्छा चाहे हम आपकी बोली स्वीकार करें या इनकार। तो ये आपका यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन कि जो व्यक्ति प्रस्थापना के लिए आमंत्रण करता है उसका इरादा ये रहता है कि कोई अन्य व्यक्ति उससे प्रपोजल करे और वह चाहे तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और चाहे तो डिनाई, उसकी इच्छा पर है। जैसे कि आपका विवाह में भी निमंत्रण मिलता है तो कार्ड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका स्वागत ही हो जाएगा। कार्ड मिल गया इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनवाइट किया गया कि आप हमारे दरवाजे पर आइए और आप प्रपोजल करिए, और हम चाहें तो आपको बाहर निकाल दें दरवाजे से या आपका क्या करें, स्वागत। याद रखिए जो कार्ड और छपता है ये प्रपोजल नहीं, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या है, इसीलिए ऊपर लिखा रहता है कि प्रस्ताव नहीं, निमंत्रण कार्ड। तो निमंत्रण जो होते हैं सब इसी तरीके के होते हैं। इस प्रकार आपका प्रपोजल के लिए आमंत्रण भी समाप्त हो गया। देखिए 3 केस, कम से कम 2 केस याद रखिए, हार्वे बनाम फैंसी और मैकफर्सन बनाम कौन सा, अपन्ना। वहीं दवा की दुकान में, यानी कि दुकान में सामान सजा दिया गया और आपका तो प्रपोजल नहीं माना गया, क्या माना गया, प्रपोजल के लिए इनवाइट करना। हाँ बोलिए, टेंडर नीलामी हो ही गई भाई, वहीं तो बताया गया और क्या। नहीं, टेंडर भी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, देखिए फिर बता दे रहा हूँ मैं, कोई इसमें नीलामी और वो एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। देखिए आपका टेंडर निकाला जाता है, तो सरकार आपका टेंडर निकालती है
और आपका ये प्रस्ताव नहीं है टेंडर, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। सरकार चाहती है कि ये मेरी शर्तें हैं, अगर कोई मुझसे प्रस्ताव करता है तो आप हमसे प्रस्ताव करिए और सरकार आपके प्रस्ताव को चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो इनकार। लेकिन जो टेंडर होते हैं, नीलामी होती है, ये प्रस्ताव नहीं बल्कि क्या है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। टेंडर भी उसको एक लिख लीजिए, आपका उदाहरण में नोट्स में है तो भाई बना लीजिए, अब था नोट्स में 7 उदाहरण में लिखवाया हूँ, उसमें एक टेंडर भी बना लीजिए। नीलामी लिखवाई गई भाई, पहले पॉइंट पर नीलामी है, उसके आगे टेंडर भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेंडर भी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। अब आइए आपका अगला चला जाइए, तो प्रस्ताव के प्रकार बताए गए इतना समय तक। अब आपका प्रस्ताव कब, प्रस्ताव कैसे रिवोक होगा, कैसे प्रतिसंहृत होगा या कैसे रद्द किया जाएगा, इसके लिए सेक्शन 6 में प्रावधान किया गया है। तो पहले प्रपोजल का पूरा बता दिया जाए तब एक्सेप्टेंस पर चला जाएगा। प्रस्ताव का प्रतिसंहरण न आए तो प्रस्ताव कब रद्द हो जाता है, उसको लिख लीजिए आसान भाषा में, कब रद्द हो जाता है, कब रिवोक हो जाता है, कब प्रतिसंहृत हो जाता है, कब खत्म हो जाता है, इसका प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट की किस धारा में किया गया है, 6 में। ये मेंस में भी आ चुका है भाई, यूपी में आ चुका है मेंस में, तो जो 4 आधार हैं उन्हीं आधारों को आपको लिखना पड़ेगा। 1-1.5 पेज में दिमाग में बैठाइए कि इतना लिख सकते हैं। देखिए आपका धारा 6 के अनुसार प्रपोजल का रिवोकेशन या प्रपोजल का प्रतिसंहरण या प्रस्ताव का खंडन कहिए, प्रस्ताव की वापसी कहिए, प्रस्ताव का रद्दकरण कहिए, कितने आधार बताए गए हैं, 4 तरीके। कितने तरीके, तो देखिए पहला क्या है, प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा प्रपोजल को रद्द किया जा सकता है। तो पहला देखिए भाई, प्रपोजल 4 तरीके हैं रद्द करने के, और पहला भी अच्छा तरीका है। पहला तरीका ये है कि जो प्रस्ताव किया है वह व्यक्ति दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव के रद्द करने की क्या दे दे, सूचना कि हम इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, रद्द। लेकिन सतर्क रहना है, प्रस्ताव को कब तक रद्द किया जा सकता है, जब तक कि प्रस्ताव एक्सेप्ट न हो जाए। फिर एक बार याद रखिए, प्रपोजल को कब तक रद्द किया जा सकता है, जब तक कि प्रपोजल क्या न हो जाए, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्टेंस की सूचना या प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूर्ण हो जाए। तो ध्यान से अब 2-3 उदाहरण देखिए भाई आपका, तब सही रहेगा। ए ने बी से प्रपोजल किया कि हे, 3-4 उदाहरण इसी में सतर्क होकर देखना, कठिन क्वेश्चन बनता है। बिहार आयोग में भी एक क्वेश्चन बना था इस पर, फिर मैं बता दूं, बिहार आयोग का 3रा-4था क्वेश्चन इस बार ये में का बनाया जा रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बना था, बहुत कठिन क्वेश्चन बना था। अभी चूंकि सेक्शन आपका पढ़ाया नहीं गया 3, 4, 5, लेकिन आपका 1-2 दिन में पढ़ा ही दिया जाएगा। यानी कि अब समय आ गया है कि एक बार बेयर एक्ट से सेक्शन 3 से लेकर 9 तक बता दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब जो आपका ये प्रपोजल एक्सेप्टेंस और इनका रद्दकरण आएगा, ये पूरी बात दिमाग में आपका क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए, तभी आगे आपका अच्छे से आएगा। ये कठिन है, देखिए आपका 3 से 3, 4, 5, 6 यही सेक्शन आपको समझना है। तो कल मैं प्रयास करूँगा कि पहले प्रतिग्रहण पढ़ाने से पहले
इन सेक्शनों को आराम से एक एक शब्दों को देखते हुए पढ़ाया जाए और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और लोग कैसे बरगच्चा खाए थे बिहार में वो भी बताना है, और कैसे आपको जरा भी संदेह नहीं रहना चाहिए आपका ये भी बताना है। देखिए, लेकिन अब ये तो पहले बता दिया जाए, प्रपोजल ए बी को प्रपोजल किया कि हे बी, मैं 1500 में मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, तो कोई डेट लेटर भेजा तो लेटर भाई भेजवाइए। 1 जनवरी को ए ने यह लेटर भेजा, तो पहला नियम हम बताए थे कि इस प्रपोजल का कम्युनिकेशन, कल ही बताए थे इस प्रस्ताव की संसूचना कब पूर्ण हो जाएगी, जब ए का लेटर यानी कि ए द्वारा किया गया प्रस्ताव बी के क्या आ जाए, नॉलेज में, ज्ञान में। अगर अब ए का लेटर कभी बी के पास पहुंचा ही नहीं तो क्या बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि लाल मन शुक्ला बनाम कौन सा केस, गौरीदत्त, पहले बी को प्रपोजल का क्या हो नॉलेज और उसके बाद वह क्या करे, स्वीकार। ये तो आ गया ना, आगे बढ़िए। अब बी के पास लेटर 5 जनवरी को पहुंचा, इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो प्रपोजल किया था उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूर्ण हो गया, क्योंकि बी को ए के लेटर का क्या हो गया, ज्ञान। अब बताइए किसको एक्सेप्ट करना है इस प्रपोजल को, बी को। तो बी चाहे तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और चाहे तो एक्सेप्ट करने से क्या कर दे, इनकार। अब आइए आगे देखा जाए। ऐसी दशा में एक ये सोच रहा है कि हमसे तो गलती हो गई, मन इसका बदल गया कि अब हम घोड़ा नहीं बेचेंगे, तो ए ने किया क्या कि 2 जनवरी को एक और लेटर बी को भेजा और कहा कि जो पहला लेटर हम 1 जनवरी को भेजे थे वो हम रद्द कर रहे हैं, अब हम घोड़ा तुम्हें नहीं बेचेंगे। अब समस्या यही गंभीर आती है। देखिए, अब 2 जनवरी पहले बी से स्वीकार कराया जाए। अगर ध्यान से समझिए, ये 2 जनवरी वाला लेटर बी के पास 6 जनवरी को पहुंचा। अब दिमाग में ये रखना है कि अगर बी 6 जनवरी तक ए के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था तब तो ए का प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रद्द। लेकिन अगर भी दूसरा लेटर पहुंचने के पहले ही आपका ए के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था और डाक में लेटर क्या हुआ था, डाल दिया, तो भी कंडीशन देखा जाए। यानी कि बी ने 6 जनवरी को प्रस्वीकृति की संसूचना लिखकर कहां डाल दी, डाक में, और जो रद्दकरण की सूचना ए ने भेजी थी 2 जनवरी को वह बी के पास कब पहुंची, 7 जनवरी को। तो आप लोग बताइए अब क्या प्रस्ताव रद्द होगा कि एक्सेप्टेंस माना जाएगा? हाँ, इसका मतलब लीगल भाषा में हम बताएंगे कल, क्योंकि आपका आज लीगल भाषा में नहीं, पहले आज उदाहरण से। तो ये पहला तरीका रहा भाई, सही बता रहे हैं लोग, लेकिन अब समय भाई आ गया है, रेस्ट भी दिया जाए, 6:45 हो रहा है, तो टाट भी चलाना है, 1 घंटा टाट भी, कल हम इसको बताएंगे। और कल भाई आपका एक बार 3 से लेकर 9 तक पढ़ कर आइए, तब आपका एक्सेप्टेंस शुरू होगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि 3 से 9 एक एक शब्दों को क्या किया जाए, तो उसके बाद प्रतिग्रहण पढ़ाएंगे। अभी प्रपोजल में पढ़ा देंगे 6 कल धारा, तब ये मेंस में पूछा गया भाई, अच्छे से इसको 1-1.5 पेज में तैयार रखिए।